नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्वों का महत्व और नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबने बच्चों पिछले वीडियो में देखा था नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश देते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में नीति निर्देशक तत्व मेन रोल माना जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व कैसे है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला है शासन के लिए आचार संहिता। सही बात है बच्चों, आपने नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा, उसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्यों को निर्देश देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 39। कौन सा अनुच्छेद 39 जो है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, ये राज्यों को क्या देते हैं बच्चों, निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 39 कहता है कि जो आप भौतिक संसाधन है उन भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से विभाजन होना चाहिए ताकि सामूहिक हित हो सके, स्त्री और पुरुष सबको समान आजीविका के साधन उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा समान नागरिक संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 38 जो है, समान सामाजिक व्यवस्था की बात करता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य द्वारा शिक्षा, विकलांगता, बीमारी, अपंगता, इन सब को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा इनकी सहायता के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 42 कहता है काम की मानवोचित दशाएं जो है वो व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये राज्यों के लिए एक आचार संहिता का काम करता है। राज्य और शासन को ये पता होता है कि हमें इन नियमों के आधार पर चलना है, इन नियमों के आधार पर काम करना है और किस किस क्षेत्र में कार्य करना है, इसके लिए आचार संहिता प्रदान करता है आपका नीति निर्देशक तत्व। फिर आता है बच्चों लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। आप सबको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों का मेन मोटिव ही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी, जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा, अगर तीनों प्रकार की सुरक्षाएं राज्य द्वारा दी जाएगी तो हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। और इस लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रावधान है वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों का मेन मोटिव माना जाता है। फिर आता है बच्चों शासन के मूल्यांकन का आधार। देखो, आप सब जानते हैं बच्चों कि इन नीति निर्देशकों के आधार पर सरकार द्वारा भूमि सुधार किया जाता है, वृद्धावस्था पेंशन चालू की जाती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, औद्योगिक विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है, आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है, कई ऐसी सामाजिक विकास करने के लिए, लोगों की आय में समानता स्थापित करने के लिए रोजगारोन्मुख कार्यक्रम चलाए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इन सब के आधार पर हम देखते हैं कि शासन ने इन इन क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य किए, उसके आधार पर हम शासन के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं कि शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किया, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या काम किया, औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से सरकार ने क्या क्या कार्य किया, इन आधार जो देता है वो नीति निर्देशक तत्व देता है और उसके आधार पर हम शासन के मूल्यांकन कर पाते हैं। फिर आता है बच्चों संविधान के क्रियान्वयन में सहायक।
आप सब जानते हो बच्चों, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के क्रियान्वयन का आधार है। संविधान कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करो, संविधान कहता है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, संविधान कहता है न्यायिक व्यवस्था लचीली होनी चाहिए, संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, अधिकारों का विस्तार होना चाहिए, राज्य वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इनको लागू करवाने का कार्य कौन कर रहा है बच्चों? नीति निर्देशक तत्व ही करते हैं। संविधान में जो बात कही गई है, हमारी प्रस्तावना में जो बात कही गई है, उन सब के क्रियान्वयन का आधार है आपका नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही सरकारें इस क्षेत्र में काम करती है कि जो हमारे संविधान में कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक समानता को क्या करना है, कम करना है, असमानता को कम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान ने जब किया, आरटी अधिनियम जब हमारी सरकार ने दिया, तो उसके क्रियान्वयन का आधार किसने दिया? राज्य सरकार ने। और राज्य सरकार ने कहां से ये विचार लिए बच्चों? वो लिए आपके नीति निर्देशक तत्वों से। फिर आता है बच्चों सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। आप सब जानते हैं बच्चों, नीति निर्देशक तत्वों में सबसे ज्यादा जोर ही सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पर दिया है, सामाजिक व आर्थिक असमानता पर दिया है, परिवर्तन पर दिया है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आय की विषमता कम हो, लोगों को अवसरों में समानता दी जाए, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, लोगों को अवकाश का समय मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन उनको मिले, इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन की व्यवस्था श्रमिकों को दी जाए, पर्यावरण संरक्षण की बात हमारा नीति निर्देशक तत्व कहता है और कहता है विश्व कुटुंबकम की बात भी हमारा नीति निर्देशक तत्व कहता है, और इसके अलावा हमारी पुरातात्विक संपत्ति है, सांस्कृतिक संपत्ति है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 49 में मिलता है, ये बात भी हमारे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर होगी कि हमारे संविधान में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि राज्य का दायित्व है कि शिक्षा उपलब्ध करवाए, तो सामाजिक परिवर्तन होगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं कि सामाजिक अभी कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, आय की विषमता को कम करना है, शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं उनके विकास के लिए कार्य करना है, तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में भी बच्चों सहायक होते हैं। तो ये बच्चों आपके 5 पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है शासन के लिए आचार संहिता, नियमावली बनाते हैं कि आपको किस किस क्षेत्र में कार्य करना है, ये आचार संहिता प्रस्तुत करते हैं नीति निर्देशक तत्व। फिर आता है बच्चों लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। आप सबको पता है हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, और जब समाज में ये तीनों सुरक्षाएं प्राप्त हो जाती है तो वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उसके बाद आता है शासन के मूल्यांकन का आधार, फिर है संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सहायक। ये हुआ बच्चों आपका नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। अब बात आती है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दे दिए, भाग 4 के 36 से 51 तक वर्णन कर दिया, लेकिन इनके क्रियान्वयन के लिए कौन कौन से कार्य हमारे राज्य सरकारों ने किए, हमारी केंद्र सरकार ने किए, क्या क्या इस क्षेत्र में कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन हो, इसके लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कार्य किया। देखो बच्चों 1951 में बच्चों पहला संविधान संशोधन हुआ, और इस पहला संविधान संशोधन में बच्चों 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, और भारतीय संविधान में बच्चों नवी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? नवी अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में, और सबसे पहले भूमि सुधार का प्रयास किया गया। तो भूमि सुधार के प्रयास की बात नीति निर्देशक तत्वों में, भूमि सुधार की बात कही गई है, और इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में
नवा अमेंडमेंट किया गया और नवी अनुसूची के तहत भूमि सुधार के लिए प्रयास किए गए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। फिर आता है बच्चों पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और स्थानीय स्वशासन की बात करता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है बच्चों उसका अनुच्छेद 40 में इस बात का उल्लेख है और हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने या हमारे संविधान ने इसके लिए बच्चों दो संशोधन किए ताकि हमारी ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। और संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ बच्चों। और इस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखो 73वां जो संविधान संशोधन है बच्चों वो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है जबकि 74वां जो संविधान संशोधन है बच्चों वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो दो अमेंडमेंट हमारे भारतीय संविधान में हुए तो हमें इस बात से पता चलता है कि जो चीज महात्मा गांधी के निर्देशों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य सरकार या हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुआ और 73वां और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया गया क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारे गांवों का विकास हो। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों और ये जो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ बच्चों उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची जोड़ी गई और अभी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में जोड़ी, 3 मैंने आपको बता दी है। नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 11वीं अनुसूची ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन से संबंधित है। एक आपकी बच्चों जो 10वीं अनुसूची बच गई, ये 10वीं अनुसूची संबंधित है बच्चों दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों 52वां संविधान संशोधन हुआ इसके लिए। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां। कब हुआ था? 1985 में। 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची का संबंध बच्चों किससे है? दल बदल से है। अब बात आती है तीसरा पॉइंट है आपका पंचवर्षीय योजनाएं। आप सबको पता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक और आर्थिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए, सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए और हमारे देश का आर्थिक विकास करने के लिए हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई जो नेहरू जी का सपना था और नेहरू जी ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा भी दी है। पंचवर्षीय योजनाएं अब तक हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, ऊर्जा सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय कार्य किया है और हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो कि नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। तो आपने देखा कि नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन के लिए ही पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। अब बात आती है बच्चों कमजोर वर्गों का कल्याण। आप सब जानते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके कल्याण के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, चाहे वो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में जो है इसके लिए क्या किया गया है? कार्य किया गया है। तो कमजोर वर्गों के कल्याण की व्यवस्था बच्चों हमारे भारतीय संविधान के 15(4) में भी कही गई, 15(3) में और 16(4) में भी ये बात कही गई है। 15(3) कहता है कि अगर कोई सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसको अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, जबकि 16(4) कहता है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो
उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो ये 16(4) में जब इस बात का प्रावधान किया गया बच्चों, जो आगे संविधान संशोधनों के तहत कमजोर वर्गों के कल्याण की बात कही, और हमारे भारतीय संविधान में बच्चों 95वां संविधान संशोधन हुआ 2005 में, और इस 95वें संविधान संशोधन में बच्चों कहा गया कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया, 2020 तक आरक्षण का प्रावधान को बढ़ा दिया गया, और अभी 10 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है हमारे भारतीय संविधान में 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में। 65वां जो संविधान संशोधन हुआ 1990 में, उसमें एक 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की क्या कर दी गई बच्चों, स्थापना कर दी गई। और आपको पता है अभी वर्तमान में ही जो हमारे संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के तहत, उस संविधान संशोधन के लिए पिछड़ी जाति के लिए भी एक आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो अनुसूचित जाति जनजाति या कमजोर वर्गों के लिए भी हमारे देश ने या हमारे देश की सरकार ने विभिन्न कार्य किए हैं, और संविधान में भी इसके लिए अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान में भी संशोधन किया गया है। अब बात आती है बच्चों सामाजिक सुरक्षा की। आप सब जानते हैं बच्चों नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में इस बात का जिक्र है कि सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कार्य करेगी। तो ये सब चीजें हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आप जानते हो बच्चों हमारे भारतीय संविधान में संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इस 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राज्य आय प्रतिष्ठा सुविधाओं में असमानताओं को क्या करेगी, धीरे धीरे समाप्त करेगी। और आप सब जानते हैं बच्चों अगर आय की विषमता कम होगी, प्रतिष्ठा के अवसर सबको उपलब्ध होंगे, सुविधाओं में असमानताएं कम होगी, तो क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो सामाजिक सुरक्षा की जो बात हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कही गई थी उसी को क्रियान्वित करने का कार्य आपका अनुच्छेद 38(2) में जो बात कही गई और उसी में एक अमेंडमेंट किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें कहा गया कि राज्य आय प्रतिष्ठा और सुविधाओं में असमानता को समाप्त करने की कोशिश करेगी। अब सामाजिक सुरक्षा के बाद आता है बच्चों बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि आय की विषमता लगातार बढ़ती जा रही थी, कुछ पैसा कुछ लोगों के हाथ में था, और हमारे देश विकासशील होने के बावजूद भी हमारे देश में गरीबी ज्यादा थी। तो कहा गया कि जो बड़े प्लांट्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि आय की विषमता को कम किया जा सके, लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके, और काम की न्यायोचित मानवोचित दशाएं उनको उपलब्ध करवाने के लिए बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आप सब जानते हैं बच्चों कि नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 42 अनुच्छेद जो 42 है और 41 है वो इस बात की व्यवस्था करते हैं, ये बात कहते हैं कि आय की विषमता को कम करने के लिए या राज्य अपने पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। अब बात आती है बच्चों न्यायिक व्यवस्था में सुधार। बच्चों अब देखो न्यायिक व्यवस्था में सुधार की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इस 42वें संविधान संशोधन में 39(कै) जोड़ा गया। क्या जोड़ा बच्चों, 39(कै), और इस 39(कै) को जोड़ करके ये बात कही गई कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया बच्चों, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। तो इससे पता चलता है बच्चों कि हमारे संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्वों में निशुल्क विधिक व्यवस्था या समानता बोल सकते हैं।
देखो बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में के नीति निर्देशक तत्वों के 39 कै 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बात कही गई बच्चों कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता राज्य सरकारों को उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार और ये अमेंडमेंट होना बताता है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन हुआ है। उसके बाद आता है बच्चों क्या, अनिवार्य निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारा जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है, अनुच्छेद 41, 45 और 46, अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 41, 45 और 46 ये बात कहता है शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। नीति निर्देशक तत्वों के 3 अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है बच्चों, वो कौन कौन से देखो। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41, कौन सा है अनुच्छेद 41। दूसरा जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46, ये तीनों जो है शिक्षा से संबंधित है बच्चों। और ये कहते हैं राज्यों को निर्देश देते हैं, वो क्या देते हैं देखो बच्चों, कुछ दिशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता, काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का हर व्यक्ति का क्या है बच्चों, अधिकार है। ये कहता है आपका नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 45 क्या कहता है बच्चों कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख। पहले आपको पता है बच्चों कि पहले हमारे इस भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार का दायित्व है। लेकिन 86वां जो संविधान संशोधन हुआ बच्चों 2002 में, उसमें ये बात कही गई, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें ये बात कही गई कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख का जिम्मा अब किसको दे दिया, राज्य सरकारों को दे दिया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और उनके क्रियान्वयन पर धीरे धीरे जोर दिया जा रहा है। और आप सब जानते हो बच्चों अभी जो आपका कार्यक्रम चल रहा है समसा समग्र शिक्षा अभियान 2018 में जो समग्र शिक्षा अभियान लागू हुआ उसमें जो आपको अपनाया गया है वो बताया है क्या, उसमें बताया गया है कि आपका पूर्व बाल्यावस्था से 12वीं तक का जितनी भी स्टडी होगी वो समग्र शिक्षा अभियान में इसको समाहित किया गया है। तो आपने ये देखा कि अनुच्छेद 41 कहता है काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 45 कहता है कि प्रारंभिक शैशवावस्था में राज्य द्वारा उस बच्चे की देखभाल की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 46 कहता है एससी और एसटी और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अर्थ शिक्षा से संबंधित जो भी सहायता है या उनके हितों की शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे राज्य सरकारों द्वारा ताकि उनके हितों में अभिवृद्धि हो। तो ये 3 अनुच्छेद बच्चों शिक्षा से संबंधित है, 41, 45 और 46। और बच्चों आप सबको बताया इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को आधार बना करके हमारे भारतीय संविधान में बच्चों आरटी अधिनियम लाया गया, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 आया ताकि राज्य सरकारों का उद्देश्य या नीति निर्देशक तत्वों में जो बात कही गई थी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है और राज्य को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति मिल सके। तो हमारे भारतीय संविधान में बच्चों 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को एक अधिकार बना दिया और इस शिक्षा के अधिकार जो कि संवैधानिक दर्जा मिला था उसका एक कानून बना दिया बच्चों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। तो ये क्रियान्वयन का आधार है। अब बात आती है बच्चों संपत्ति का अधिकार। आप सब जानते हो बच्चों कि हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए बच्चों भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, ताकि सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। फिर आता है बच्चों
समान कार्य हेतु समान वेतन, ये व्यवस्था करता है बच्चों अनुच्छेद 39 में, ये बात कही गई है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन उपलब्ध होना चाहिए। फिर बात आती है बच्चों पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48 के। देखो बच्चों हमारे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हुआ, हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में बच्चों पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। आप सब जानते हो बच्चों कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 48 है, अनुच्छेद 49 जो है और अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन संगठन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि जो भी हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और पुरातात्विक इमारतें हैं उनको अशुद्ध बनाए रखने का जिम्मा राज्य सरकारों का है। तो इसी के लिए हमारे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और पर्यावरण संरक्षण को भी राज्य का दायित्व बना दिया बच्चों। तो पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया अनुच्छेद 48 के में, इसकी व्यवस्था है और इसको जोड़ा गया बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आता है बच्चों सहकारी समितियां। देखो बच्चों सहकारी समितियों की अगर हम बात करें बच्चों तो 19 ग में भी इसको जोड़ा गया है और 43 है में इसको जोड़ा गया है। 43 है में सहकारी समितियों और संस्थाओं को भी बच्चों क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में बच्चों 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत हमारे भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को स्वैच्छिक निर्माण कार्य नियंत्रण और प्रबंधन इन सब की स्वतंत्रता इन सहकारी समितियों को दी गई है और इन सहकारी समितियों को 19 ग में भी जोड़ा गया है जहां पर साफ लिखा हुआ है सभा करने का, सम्मेलन के बाद है सभा या संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है उसके तहत सहकारी समितियों को भी उसमें ऐड किया गया है। तो आपने देखा बच्चों कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए कौन कौन से क्रियान्वयन हुए हमारे देश में, भूमि सुधार हुआ, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, कमजोर वर्गों के कल्याण की व्यवस्था की गई, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना की गई, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, न्यायिक व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए गए, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया और वैधानिक अधिकार बना दिया गया, समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था की गई, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई और सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आज आपने नीति निर्देशक तत्वों का महत्व और नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार या हमारे देश में कौन कौन से कार्य हुए इन सब के बारे में पढ़ा। देखो बच्चों कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है मेरा पूरा वीडियो देखे, वीडियो देखने के में जो भी मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है उसको कॉपी में नोट डाउन करिए। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के वीडियोस बनाती रहूं तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आपको अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाती रहूं। धन्यवाद।